अपनी होंडा सिटी में क्रूज कंट्रोल कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आपके स्टेयरिंग पे ना ये क्रूज नाम का बटन होता है, सो वेन यू प्रेस दैट बटन डैशबोर्ड पर देखना एक लाइट चलेगी क्रूज मेन से। तो आप जिस भी स्पीड पे आपकी गाड़ी सेट करना चाहते हो उस पे ले जाओ, मेरी अभी 70 पे है। उसके बाद जस्ट हिट दैट सेट बटन। सेट बटन दबाने के बाद आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक सेम स्पीड पे चलने लगती है। रिमूव योर फुट फ्रॉम द पैडल, इट इज दैट इजी। और ये डैशबोर्ड पे जो प्लस एंड माइनस बटन होता है उससे अब आपकी गाड़ी की स्पीड एडजस्ट करते हो। जैसे मैंने प्लस बटन दबाया, देखना अभी स्पीड बढ़ के 80 पे हो गई है, और अगर आप माइनस कर रहे हैं तो सीधा स्पीड माइनस हो रही है। और जब भी आप चाहे कि आपको क्रूज कंट्रोल बंद करना है, सो जस्ट हिट दैट कैंसिल बटन। और अगर आप पैनिक सिचुएशन में बस अपना ब्रेक एंगेज कर लीजिएगा,